हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और लॉज ऑफ मोशन में हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। लॉज ऑफ मोशन के तो बहुत से पार्ट्स हैं। वी हैव फ्रिक्शन एंड वी हैव सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर डायनेमिक्स। बट अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक बातों पे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट पॉइंट। और भाई, आप लोग सारा होमवर्क कम्प्लीट कर लेना। मंडे को सारा चेक होगा आपका, जितना भी होमवर्क है वो सारा चेक होगा और टेस्ट भी होना है आपका। तो प्लीज़ लेक्चर्स को मैंने प्राइवेट कर दिया है, सारे लेक्चर्स को हाइड कर दिया है, ठीक है। आप लोग मुझसे पर्सनली लेक्चर्स को मांग सकते हो, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, व्हाट इज़ कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे दो बॉडीज़ पे डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, है ना, बट उन बॉडीज़ के जो फोर्स जो एक्सेलेशन होते हैं, एक्सेलेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनके एक्सेलेशन जो है लगभग हर प्रॉब्लम में आपको कांस्टेंट मोशन था, है ना। बट हमने कभी बहुत डिटेल में उसको डिस्कस नहीं किया है कि बॉडीज़ के एक्सेलेशन में एक अलग से रिलेशन होता है, मतलब उसका फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत छोटी सी बात करूं, है ना, जो कि आप सभी को पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आई हैव ए पुली एंड दिस मास M1 एंड दिस मास M2, ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इट विल बी ए। इसका मैं पूछूं कितना होगा, तो आप बोलेंगे अगर इसका ए है तो इसका कितना होगा, ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचिए, वाई एक्सेलेरेशन आर सेम, है ना, इनके एक्सेलेरेशन सेम क्यों है। वो इसलिए सेम है बिकॉज दिस रोप इज़ इनएक्सटेंसिबल। आप सोचिए मेरी बात, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न ये है, जो स्ट्रिंग है दैट इज़ इनएक्सटेंसिबल, है ना। स्ट्रिंग की लंबाई ना तो बढ़ रही ना कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, अगर स्ट्रिंग की लेंथ को कॉन्स्टेंट रखना है तो जितनी रस्सी ये खींच लेगा, ये नीचे आएगा तो ये रस्सी को खींचेगा, उतनी रस्सी इसको ऊपर देनी पड़ेगी। जब ये रस्सी यहाँ से रिलीज करेगा तो उसको ये यूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर आप सबको पूछता है कि वाई एक्सटेंशन आर सेम, तो आपका आंसर ये होगा बिकॉज रोप इज़ इनएक्सटेंसिबल, इट कैन नॉट एक्सटेंड। अगर एक्सटेंड नहीं करेगी तो जब ये रस्सी को खींचेगा तो इसको रस्सी को थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा, एंड जितना मोशन इसका होगा, जितना ये नीचे आएगा एग्जैक्टली उतना ही ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट की अगर बात करें कि वाटर कॉन्स्टेंट, मतलब क्या इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, एंड अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज तो फिर इनके आपस में रिलेशन में एक कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन इन पुली प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा कॉन्स्ट्रेंट मोशन इन पुली, जो पुली की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, इनमें हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मेरा ऑब्वियस सा दिख गया, ठीक है, लेकिन अगर भी मैं कई पुली बना दूँ, 3-4 पुली बना दूँ, फिर मैं आपसे पूछूँ तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को हम लोग मैथमेटिकल वे में करेंगे, और कॉन्स्टेंट मोशन में जो हमारा लॉजिक लगेगा, लॉजिक ये रहेगा, मतलब जिस पे पूरा ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट, कि लेंथ ऑफ रोप कैन नॉट चेंज, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको हम हमेशा कॉन्स्टेंट रखेंगे और उसके हिसाब से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स यूजिंग कॉन्स्टेंट मोशन इन वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। दिस ब्लॉक इज M1 एंड दिस ब्लॉक इज M2, ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ द पुली। तो जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ से वी ड्रॉ लाइन, इसको बेस लाइन बोल सकते हो आप, यू कैन से बेस लाइन, वी मेजर ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम हेयर, ठीक है। और उस सिस्टम में जो भी मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो दो ही हैं, वी हैव M1 एंड M2 एंड दे आर मूविंग, तो हम क्या करेंगे, इनको एक कोऑर्डिनेट दे देंगे, ठीक है। मैं M1 को क्या बोलूँगा कि M1 पोजिशन ऑफ M1 इज X1, और मैं बोलूँगा पोजिशन ऑफ M2 इज X2, एंड वॉट अबाउट दिस लेंथ, दिस लेंथ इज पाई आर, हाफ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। मुझे पता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी, बस ये एरिया चेंज होगा, कौन चेंज होगा, X1 X2 चेंज होगा, तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज X1 प्लस X2 प्लस पाई आर, दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
आप सबको पता होना चाहिए कि व्हेन वी डिफरेंशिएट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी गेट वेलोसिटी, और आप सबको पता होना चाहिए कि व्हेन वी डिफरेंशिएट ए कांस्टेंट टर्म वी गेट ज़ीरो, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट होता है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो चेंज ही नहीं होती है, तो उसका रेट ज़ीरो हो जाता है। तो वी हैव एल इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस पाई आर, सबको दिख रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट डी एल बाई डी टी इज डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी एक्स टू बाई डी टी एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ पाई आर। तो आप देख सकते हैं कि डी एल बाई डी टी इज ज़ीरो बिकॉज लेंथ इज कॉन्स्टेंट। वॉट इज डी एक्स वन बाई डी टी, दिस विल बी वेलोसिटी, इसको वी विल राइट वी वन एंड वी विल राइट वी टू सर वेक्टर्स। एंड वॉट अबाउट पाई आर, ये लेंथ ना जब ये रस्सी चलेगी ऊपर नीचे, तो ये जो रस्सी जितनी स्ट्रिंग इसके ऊपर है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, आप देख लो ये कभी चेंज नहीं करेगी। तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, पाई आर इज कॉन्स्टेंट, ये कभी चेंज नहीं करेगा, हमेशा पाई आर इसके ऊपर रहेगा पुली के ऊपर। तो डिफरेंशिएट डी बाई डी टी ऑफ पाई आर, वी अगेन गेट ज़ीरो। सो हमें यहाँ पता चलता है कि वी टू इज इक्वल टू माइनस वी वन, जो बात हमें पहले से पता थी, इसमें कुछ नया नहीं सीखा, बस हमने एक अप्रोच नहीं देख ली, है ना। वी हैव ए न्यू अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स, ये हमें पहले से पता था कि यार ये जितना नीचे वेलोसिटी से आएगा उतना ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो वी टू इज माइनस वी वन। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, या इसको हम सेकेंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इफ यू अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इक्वेशन, तो वी गेट डी वी टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी वन। तो वॉट इज डी वी टू बाई डी टी, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारते हैं तो वी गेट ए टू। तो दिस इज, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो वॉट वी हैव नाउ, दिस इज ए टू इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी वन, दिस इज माइनस ए वन। ये बात हमको बहुत पहले से पता थी, लेकिन आज बस हमने सिर्फ इसकी एक अप्रोच डिफरेंट देख ली है। आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, है ना, बट इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ेगी जब आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करोगे जहाँ पे मल्टीपल पुली सिस्टम होगा। अभी हम लोगों ने मल्टीपल पुली सिस्टम डील नहीं किया, हम लोगों ने सिंगल पुली सिस्टम डील किया है, ठीक है। तो ए टू इज माइनस ए वन। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम और, देखिए सपोज करिए ऐसे वी हैव थ्री ब्लॉक्स, ऐसे एक पुली है, ठीक है, एंड ये ऐसे सिस्टम है, ठीक है, दिस इज एम वन एंड दिस इज एम टू। देखिए इसमें दो पुली आ गई, दिस इज फिक्स्ड पुली, ओके, दिस वन इज फिक्स्ड एंड दिस पुली इज मूवेबल, दिस पुली इज मूवेबल, दिस वन इज फिक्स्ड एंड दिस वन इज मूवेबल, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कि इनमें आपस में एक्सलेशन में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि हमें क्या करना पड़ता है। अच्छा देखिए, जितना इस पुली का एक्सलेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सलेशन भी होगा, तो आप एग्री करते हो, जितना पुली ऊपर नीचे आएगी बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, है ना। तो हमें इनमें आपस में रिलेशन पता करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो पुली फिक्स्ड होगी वहां से भी ड्रॉ बेस लाइन, दिस इज बेस लाइन, दिस बेस लाइन, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, वी हैव टू राइट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जो मूवेबल होते हैं उनको हमें एक एक कोऑर्डिनेट देना होता है। सुन लीजिए मेरी बात, जो ऑब्जेक्ट्स वहां पे मूव कर रहे हैं उनको हमें एक एक कोऑर्डिनेट देना होगा। तो एम वन को वी विल राइट एक्स वन, ठीक है, और हमें बताया एम टू पुली का एक्सलेशन सेम है, तो इसका जो सेंटर होगा वी कैन राइट एक्स टू, दिस इज एक्स टू, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वी विल राइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू। चलो भाई लिखने की कोशिश करते हैं, हमने इसको क्यों नहीं लिया, आप समझ पा रहे हैं एम टू को क्यों नहीं लिया, क्योंकि एम टू का एक्सलेशन वही होगा जो इस पुली का एक्सलेशन होगा। तो चलिए भाई लेंथ लिखते हैं, दिस लेंथ इज एक्स वन, वॉट अबाउट दिस लेंथ, दिस विल बी पाई आर, वॉट अबाउट दिस लेंथ, देखिए यहाँ तक का ये इसका ये सेंटर की कोऑर्डिनेट एक्स टू है ना, तो ये पूरा एक्स टू होगा, तो दिस यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होगी दिस विल बी एक्स टू,
अगेन दिस लेंथ, दिस विल बी पाई आर, अगेन दिस लेंथ, दिस इज एक्स टू। और देखिए जब चलेगा तो ये लेंथ भी हमारी फिक्स रहेगी भाई, ये जो पुली, ये लेंथ कौन सी है, ये हमारी जो पुली का पॉइंट है, हमने वहाँ से ये डिस्टेंस मेजर की ना, तो ये हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। इसको हम लिख देते हैं, लेट मी राइट एल वन, इसको हम एल वन लिख देते हैं। तो प्लस एल वन इज इक्वल टू एल, डिफ्रेंशिएट मारते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप सबको डिफ्रेंशिएट मारेंगे, सबके नीचे डी बाई डी टी लगाएंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ पाई आर प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू प्लस डी बाई डी टी ऐसे लिखेंगे आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एक्स वन का डिफ्रेंशिएशन विल बी वी वन, पाई आर इज अ कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन विल बी जीरो। एक्स टू का डिफ्रेंशिएशन इट विल बी वी टू, पाई आर इज कॉन्स्टेंट जीरो। एक्स टू का डिफ्रेंशिएशन इट विल बी वी टू, एल वन इज कॉन्स्टेंट जीरो एंड एल इज कॉन्स्टेंट जीरो। तो नाउ वी हैव रिलेशन वी वन प्लस टू वी टू इज जीरो, दिस इज रिलेशन, ठीक है। इफ डिफ्रेंशिएट वंस मोर तो वी गेट, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट मारूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल राइट डी वी वन बाई डी टी प्लस ट्वाइस ऑफ डी वी टू बाई डी टी इज जीरो। वॉट इज डी वी वन बाई डी टी? एक्सेलेशन, तो दिस इज ए वन एंड प्लस टू ए टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या ए वन इज इक्वल टू माइनस टू ए टू, ये इनमें आपस में रिलेशन आ गया, ठीक है। और ये रिलेशन में क्या बता रहा है आपको पता है? रिलेशन ये बता रहा है कि जो फर्स्ट वाले का एक्सेलेरेशन होगा, है ना, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एम टू जितना चलेगा इन दिस केस, जितना एम टू चलेगा, ठीक है, जो एम वन होगा उसका जस्ट डबल चलेगा, ठीक है। जितना एम टू चलेगा, ठीक है, एम वन उसका एग्जैक्टली डबल चलेगा इन और इन अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमने रिलेशन निकाली। अब इस रिलेशन को हमें क्या करना है यार ना, इस रिलेशन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं थोड़ा सा देख के, तो हमें बार बार एक कॉन्स्टेंट मोशन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बहुत चीज़ें हमें ऑब्वियसली होती दिख जाती हैं, तो उनको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलो समझते हैं कि इसको हम ऐसे कैसे समझेंगे विदाउट यूजिंग दीज इक्वेशंस। ठीक है, उसको नीचे बना दें, थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा ब्लॉक, ठीक है। अब इसको हम विदाउट इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अगर इसी क्वेश्चन को विदाउट इक्वेशन करते हैं तो क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस यूज़ करना है, हल्का सा विजुलाइजेशन करना है और आपको आंसर दिख जाएगा, वो सब कहानी नहीं करनी है, ठीक है। एक काम करते हैं यार, मैं इस पुली को थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ, चलो मैं इसने जो मोबाइल पुली होगी उसको आपको थोड़ा खींचना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैंने इस पुली को खींच लिया थोड़ा सा नीचे, मैंने इस पुली को एक्स से नीचे खींच दिया, हल्का सा मैं एक्स नीचे ले आया, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा, ये ब्लॉक भी नीचे चला जाएगा। नाउ दिस इज न्यू पोजिशन ऑफ द पुली एंड दिस इज न्यू पोजिशन ऑफ द ब्लॉक, और मैंने पुली को कितना नीचे पुल किया, एक्स। तो अब देखिए, जब पुली को पहले पुली में रस्सी यहाँ से यहाँ तक थी, मेरी बात को ध्यान सुनना, पहले पुली में रस्सी यहाँ से यहाँ तक थी, अब जब पुली यहाँ पे आ जाएगी तो रस्सी यहाँ से लेके और ये यहाँ तक होगी ना, बोलो, ठीक है। पहले पुली में जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। अब जब पुली थोड़ा सा नीचे आ गई है तो स्ट्रिंग भी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। एंड दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज एक्स, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ पुली मूव्स बाय डिस्टेंस एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स 2x मीटर एक्स्ट्रा लेंथ, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि इफ पुली, इस लाइन को बहुत ध्यान सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए आप, ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया। मैंने बोला कि इफ पुली मूव्स बाय डिस्टेंस x इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन इट रिक्वायर्स 2x मीटर ऑफ
एक्स्ट्रा रोप, आप समझ पा रहे हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ये इतनी रोप इसको चाहिए होगी। देखो अभी तक, अभी तो रोप यहाँ से यहाँ तक है ना, और जब ये नीचे आ गई तो ये रोप यहाँ से यहाँ तक होगी, तो दिस इज एक्स्ट्रा रोप। और जब यहाँ से यहाँ आ गया है तो पहले तो रोप यहाँ से यहाँ तक थी, नीचे चला गया, तो ये एक्स्ट्रा रोप इसको चाहिए होगी भाई। अब तो रोप यहाँ से पूरी यहाँ तक होगी ना, तो दिस एक्स्ट्रा रोप एक्स प्लस एक्स टू एक्स, ये कहाँ से आएगा बताइए आप? ये टू एक्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्या यहाँ से आ सकता है? नो, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। तो इस टू एक्स जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको ये पूरा करेगा, एंड इट विल मूव 2x डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें क्या समझना है कि अगर मैं इस पुली को x चलाऊंगा तो ये 2x चलेगा, तो अगर ये v वेलोसिटी से आएगा तो ये 2v से जाएगा, अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये 2v एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। समझ गए? जब किसी पुली में जब कोई पुली मूव कर रही होती है ना, तो वो रस्सी को यार डबल खींचती है। ये लाइन नोट करिए आप कि अगर किसी पुली के दोनों तरफ रस्सी है ना, आप पुली को मूव कराएंगे तो इसको डबल रोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कांस्टेंट मोशन होती है। तो मैं आपको क्वेश्चन में ऐसे ही बताऊंगा कि देखो मैंने पुली को एक्स पुल किया है तो ये इसको 2x एक्स्ट्रा चाहिए होगा, वो 2x यहाँ से आएगा। वरना आपका ऐसे इक्वेशन लिखने का तरीका तो वही है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, देखते हैं ये वन मोर क्वेश्चन, और अब इसको अपने आप ट्राई करिए आप। ठीक है, यू टू ट्राई योर सेल्फ। दिस एम वन पुली, दिस पुली इज फिक्स्ड, ओके, एंड दिस ए मूवेबल पुली, देन अगेन देयर इज ए फिक्स्ड पुली, is fixed. M1, M2, M3. Okay, we have three blocks, M1, M2 and M3. ठीक है, और हमें क्या देखना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है M1, M2 and M3 में। ओके, तो क्या करना होता है बताइए? अगर मैं इनमें एक्सेलरेशन पता करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनको आपको ये कोऑर्डिनेट दे देना होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनको आपको एक कोऑर्डिनेट दे देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बेस लाइन लेनी होती है, जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, सारी डिस्टेंस को हम यहाँ से मेजर करते हैं, लाइक ओरिजिन। सो दिस इज बेस लाइन। ठीक है, इसको मैं दूंगा x1, इसको मैं दूंगा x3, एंड दिस पुली एंड दिस ब्लॉक दे हैव सेम एक्सेलरेशन, तो मैं पुली के सेंटर को आई विल असाइन ए कोऑर्डिनेट x3, दिस विल बी x3, सेंटर ऑफ द पुली, दिस इज x3। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ लेंथ लिखूंगा, आप लेंथ अपने आप लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके अपने आप लिखने की कोशिश करिए कि व्हाट विल बी लेंथ। दिस लेंथ इज x1, देन दिस लेंथ इज पाई आर, देन दिस लेंथ इज x2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सेंटर है इसका, देख लिए, जो मैंने मैंने x2 लिखना चाहिए था, मैंने x3 लिख दिया, दिस x2, इसके सेंटर तक ये कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, दिस सेंटर, तो x1 प्लस पाई आर प्लस दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ, दिस इज x2 प्लस दिस लेंथ, दिस इज पाई आर प्लस दिस लेंथ, दिस इज x2 प्लस दिस लेंथ, दिस इज पाई आर प्लस दिस लेंथ, दिस इज x3 एंड टोटल दिस इक्वल टू l। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट मारूंगा, आपको पता है कि पाई आर इज कॉन्स्टेंट जीरो होगा, पाई आर इज कॉन्स्टेंट जीरो होगा, पाई आर इज कॉन्स्टेंट जीरो एंड l इज कॉन्स्टेंट जीरो। तो क्या आएगा, x1 का कितना आएगा आपको लिखना है, डिफ्रेंशिएट मार के, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो वी हैव dx1 बाई dt विच इज v1 प्लस dx2 बाई dt विच इज v2 प्लस dx2 बाई dt विच इज v2 प्लस dx3 बाई dt विच इज v3 एंड दिस इज कॉन्स्टेंट। तो पाई आर का जीरो हो गया, पाई आर का जीरो हो गया, पाई आर का जीरो हो गया, मैंने लिखा नहीं, एल भी कॉन्स्टेंट है, टोटल लेंथ इज कॉन्स्टेंट, इसका भी जीरो होगा। तो वी हैव v1 प्लस 2v2 प्लस v3 जीरो, जहाँ से हमको पता चलता है कि v1
प्लस वी थ्री इज माइनस टू वी टू, ठीक है। अब देखो यार, अब जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ वो हमें बहुत ढंग से समझना है। नाउ वी हैव ए शॉर्टकट, उसको हम ढंग से समझेंगे कि शॉर्टकट में क्या हो रहा है ना, इसी बात को। देखो यार, आप सोचो कि मैं x2 को नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम अलग तरीके से देखेंगे, हमें पता ना कि मूवेबल पुली को खींचना होता है, ठीक है। तो देखिए, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अपना आप लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके यू कैन फाइंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम, ठीक है यार, मैंने इसको पुली को ना, इसको मैंने एक्स नीचे खींच दिया, एक्स टू नीचे खींच दिया, चलो इसको मैंने एक्स टू नीचे खींच दिया, दस पुली इस, तो ये पुली यहाँ पे आ जाएगी, है ना, कितना नीचे आ गई, दिस सेंटर हैज मूव्ड एक्स टू डिस्टेंस, एंड ये ब्लॉक भी हमारा नीचे चला जाएगा, ब्लॉक भी एक्स टू नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये बताओ, ये पुली एक्स टू नीचे जाएगी, तो अब रस्सी पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये पुली यहाँ पे होगी तो स्ट्रिंग यहाँ से पूरी यहाँ तक हो जाएगी, तो दिस लेंथ x2 एंड दिस लेंथ x2, ये एक्स्ट्रा आ गया नहीं आ गया, बताओ। तो इसका मतलब इसको नीचे मूव करने के लिए हमें 2x2 की लेंथ चाहिए, ये कौन देगा बताओ, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा x1 और थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, तो अगर ये x1 चला गया तो ये देखो x1 रस्सी को लूज़ कर देगा, अगर ये x3 चला गया ऊपर, है ना, ऑब्वियस सी बात इनको ऊपर ही जाना पड़ेगा, है ना, मतलब दैट डिपेंड्स, चलो उस बात को भी छोड़ते हैं। अभी मैंने जस्ट एक केस ले लिया कि दिस मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद x1 डिस्टेंस एंड दिस मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद डिस्टेंस x3, ठीक है। अभी बताओ, ये नीचे गया तो इसको ये प्लस ये एक्स्ट्रा चाहिए 2x2, है ना, तो दिस नीड्स सम लेंथ फ्रॉम हियर एंड सम लेंथ फ्रॉम हियर, इन दोनों का जो सम होगा ना x1 प्लस x3 दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2। वीडियो को पॉज करो यार, सोचो, है ना, कई बार देखो, और हमें कांस्टेंट इक्वेशंस नहीं बनानी है कभी भी, वो आपको समझाने के लिए बता दिया है, वो आप रेयरली बनाओगे, हमें इक्वेशंस ऐसे ही लिखनी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ में थोड़ी सी अपनी वो डालो, आप अपने आप को थोड़ा फैमिलियर करो इस पॉइंट के साथ कि मैं इसको नीचे लाया तो x2 प्लस x2, आई नीड 2x2 लेंथ, ये 2x2 कहाँ से आएगा, थोड़ा सा ये x1 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर x3 जाएगा, तो ये रस्सी को लूज़ करेगा, ये भी थोड़ा सा रस्सी को लूज़ करेगा, और उन दोनों रस्सी को मिलके ये यूज़ कर लेगा, तो ये इसकी यूज़ रस्सी है 2x2, और ये जो x1 x3 ने मिलके इसको दिया है, तो 2x2 इज x1 प्लस x3, तो हमको पता चल गया कि अगर ये नीचे गया, मतलब अगर ये v1 ऊपर गया और v3 ऊपर गया, नहीं, अगर v1 और v3 ऊपर गए तो ये कितना नीचे आएगा बताइए, जो अगर ये v1 v3 होगा तो ये जो होगा, ये जो नीचे आएगा दिस विल बी ट्वाइस ऑफ v2, ठीक है। और अगर ये a1 प्लस a3 होगा तो दिस इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, a2, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं इस तरह से कि किसने कितनी रस्सी लूज़ की और किसने कितनी रस्सी यूज़ की, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज के लेक्चर का, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, M1 and this is M2, सारी strings हैं tight, ठीक है, and fixed, the movable, this is movable, ये movable pulley है, this is fixed, and this is fixed। हमको कहता है भाई ऐसा है, M1, M2 में क्या relation होगा acceleration में, ये बताओ। अगर मैं equation लिखने बैठ गया तो बहुत कहानी हो जाएगी लंबी, ठीक है, इसको shortcut से समझते हैं, ठीक है। पहले आप अपना खुद आंसर निकालने की कोशिश करिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है, और फिर मैं आपको आंसर, फिर मैं आप, फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
सोचिए मैं M2 को नीचे लेकर चला जाता हूँ, गेस करिए कि मैंने M2 को नीचे मूव करा दिया एक्सिस्टेंस, ठीक है। M2 मूव्स बाय डिस्टेंस x इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगर M2 एक्सिस्टेंस मूव करेगा तो क्या होगा, देखो ये पॉइंट नीचे जाएगा x, M2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिस इज M2, न्यू पोजीशन ऑफ M2, तो ये पॉइंट x नीचे चला गया और ये पॉइंट भी, पुली भी नीचे x आ जाएगी, पुली कहीं यहाँ पे आ जाएगी x, ऐसे ये ब्लॉक नीचे x जाएगा तो ये पुली भी x नीचे आ जाएगी साथ में, ये पुली कहीं यहाँ पे आ जाएगी x, x ठीक है। तो अब आपको देखना ये है कि जब ये ब्लॉक नीचे गया है तो इसने कितनी रस्सी यूज कर ली, इस पॉइंट को x एक्स्ट्रा रोप चाहिए, ये पुली भी x नीचे जाएगा, है ना। तो जब ये पुली x नीचे जाएगी तो इधर से x और इधर से x कितना चाहिए इसको, 2x। जब ये पुली x नीचे जाएगी तो ये x वाली स्ट्रिंग और ये, आप समझ रहे हो कि जब ये पुली यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी तो ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक होगी, तो दिस एक्स्ट्रा एंड दिस एक्स्ट्रा 2x, और इस पॉइंट, जब ये पॉइंट नीचे चला गया x तो इसको भी कितनी एक्स्ट्रा रोप चाहिए, इसको x चाहिए, समझा आप। अब इस आपको सोचना आप, जब ये नीचे आएगा x तो ये x एक्स्ट्रा, ये x एक्स्ट्रा 2x, जब ये x नीचे आएगा तो ये x और ये x 2x, और जब ये पॉइंट नीचे आएगा तो x, तो टोटल वी नीड 5x। और सोचो ये जब पूरा सिस्टम नीचे मूव करेगा तो 5x कहाँ से आएगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा 5x, got this point, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी बाई डिस्प्लेसमेंट, अगर अगर इसका इसके x चलने पे ये 5x चल रहा है तो ये v चलने पे ये 5 ही जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका 6a हो जाएगा। यह रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ना, ये कोई फिजिक्स नहीं चल रही है, देयर इज नो फिजिक्स। मतलब अगर मैं ये सिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ा दिया जाए तो ही कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप मत सोचना क्योंकि आपने बहुत भारी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बच्चे बहुत डरते रहते हैं कि सर कॉन्स्टेंट मोशन बहुत टफ होता है, कॉन्स्टेंट मोशन कुछ नहीं होता यार, एक बार ढंग से देखो चीज़ों को, एनालाइज करो, इस वीडियो को दो तीन बार देखो, है ना। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कहाँ से रस्सी आ रही है कहाँ जा रही है, और थोड़ी सी मैथ्स लगा दो तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेशन ए होगा तो इस ब्लॉक का एक्सेशन कितना होगा, इट विल बी 5a, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको और आपको ऐसे आंसर देना है विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, बिना सॉल्व किए आपको आंसर देना है। आई होप कि आप दे लेंगे आंसर। जैसे ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस M1 एंड जैसे ब्लॉक M2 प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ऐसे, एंड जैसे पुली एंड जैसे ब्लॉक, ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, ये फिक्स्ड पुली है कोने से लगी हुई है, एंड दिस वन इज मूवेबल एंड जैसे ब्लॉक M3, ठीक है। अब आप मुझे आंसर दो, ठीक है, सोच के आंसर देना आप लोग थोड़ा, ठीक है। इसका एक्सेशन 1 meter per second है, 1 meter per second square, और इसका है 3 meter per second square, ये 1 meter per second square एंड दिस 3 meter per second square, तो इसका एक्सेशन कितना होगा सोचिए आप ऑफ दिस ब्लॉक। अब वीडियो पॉज करके आपको आंसर सोचना है कि व्हाट विल बी एक्सेशन ऑफ दिस M3, ठीक। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं कैसे सोचूंगा कि यार अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये 1 meter per second square ऐसे रस्सी को लूज करेगा, और अगर ये 3 meter per second square जाएगा तो ये भी 3 meter per second square ऐसे रस्सी को लूज करेगा, दोनों रस्सी को लूज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसने 1 लूज किया, इसने 3 लूज किया, कितनी लूज हो गई टोटल 4, वो 4 किसको मिली, वो 4 इसको मिल गई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इधर से 1 लूज हुई, इधर से 3 लूज हुई, इसको 4 मिली, ठीक है। इसको देखते हैं इसका क्या सीन हो रहा है। अब मुझे पता है कि अगर ये ब्लॉक वाई डिस्टेंस नीचे आएगा, सॉरी अगर ये हमारा ऐसे ब्लॉक था, ठीक है, अगर ये पुली हमारी वाई डिस्टेंस नीचे आ गई, यहाँ पे पुली यहाँ पे आ गई वाई डिस्टेंस नीचे, तो अगर वाई नीचे आएगी तो इधर से इसको वाई चाहिए होगा, और ये रस्सी इसको वाई, इसको 2y चाहिए। तो क्या पता चला कि इफ पुली
मूव्स बाय वाई डिस्टेंस इट रिक्वायर्स टू वाई लेंथ. नहीं, अगर ये वाई नीचे जाएगा तो इधर से वाई, इधर से टू वाई इसको चाहिए. यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ इट गेट्स टू वाई लेंथ, अगर इसको कहीं से टू वाई लेंथ मिल गई, इफ इट गेट्स टू वाई लेंथ, तो इट मूव्स बाय वाई डिस्टेंस. मतलब इसको जितनी रस्सी मिलेगी उसका हाफ ही चल पाएगा. ये इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए, इसको जितनी रस्सी मिलेगी उसका हाफ चल पाएगा. वाई हाफ इसलिए चल पाएगा क्योंकि आधी रस्सी इधर यूज कर लेगा, आधी रस्सी इधर यूज कर लेगा. तो इधर से इसको वन मिला, इधर से थ्री मिला, कितना मिला टोटल, फोर. तो फोर में से ये टू इधर यूज कर लेगा, टू इधर यूज कर लेगा, और कितना जाएगा नीचे, ये सिर्फ टू जाएगा. तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी 2 m/s² इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. बात बताइए आपको भाई, इसको वन इधर से मिल गई, थ्री इधर से मिल गई, टोटल फोर रस्सी मिल चुकी है. और अभी हमने देखा है कि अगर ये वाई जाएगा, अगर ये पुली हमारी वाई डिस्टेंस नीचे आ गई, तो वाई प्लस वाई, इसको टू वाई एक्स्ट्रा रोप चाहिए होती है. या इसको उल्टा बोले तो जितनी रोप इसको मिलेगी ना उसका हाफ चल पाएगा ये, क्योंकि आधी रोप इधर यूज कर लेगा, आधी रोप इधर यूज कर लेगा. तो इसको कितना मिला है, 1 + 3, टोटल 4 मिला है इसको. 4 m/s, मतलब एक तरह से 4 का एक्स्ट्रा रोप मिल गया इसको. तो अगर इसको 4 की एक्स्ट्रा रोप मिली है तो 2 इधर यूज करेगा, 2 इधर यूज करेगा. तो इट्स एक्सेलरेशन विल बी 2 m/s² इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है. चलिए नेक्स्ट में और डिस्कस करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कॉन्स्टेंट मोशन पर.